युवाओं के हाथों में खूब बल है, लेकिन इनके हाथों में देवभक्ति के साथ साथ राष्ट्रभक्ति, क्षेत्र भक्ति का भी ऐसा नारा सबके बीचों में नचिए, बोलो भारत माता की। लेकिन इन सब जैसे युवाओं का जो प्रेरणा स्रोत बना, ऐसा हमारा भाई चमन वर्मा। मेरी गजना उजिया तेरा घुमाए क्यों मैं। ये रहा दोराट का व्यू। अच्छा, हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी विक्रम आ चुका हूँ एक और न्यू वीडियो के साथ। फिलहाल अभी हम हैं दोराट में और निकल रहे हैं अल्मोड़ा के लिए सम्मानित समारोह में। और चमन यहाँ पर सो रखा है, थक गया है बहुत ज्यादा। और यहाँ पर चाचा कुछ वो कर रहे हैं और भैया आ रहे हैं अभी थोड़ी देर में, निकल जाएंगे अल्मोड़ा की तरफ। बीच बीच में आपको अपडेट देते रहेंगे। चमन को सम्मानित करने के लिए बुला रहे हैं वहाँ पर, और जो भी वहाँ पर होगा वो सब आपको दिखाते रहेंगे। तो चलिए फिर, अभी धूप भी आ चुकी है और निकल चुके हैं हम अल्मोड़ा के लिए दोराट से। यहाँ पर थोड़ा देर रुके हुए थे और अब सीधे निकलेंगे, मिलेंगे रास्ते में आपको, या तो सीधे अल्मोड़ा पहुँच के। प्रोग्राम 10 बजे से स्टार्ट होने वाले हैं और चाचा आ गए अभी ट्रेन से। तो आज के फर्स्ट अपडेट भंडर गांव से हो रहे हैं, जो कि बवाली पोखर वाली रूट में पड़ता है। और यहां पर हमारा चाय आ चुकी है और वहां पर वन्नी अंदर की तरफ मैगी और चमन के लिए छोले। यहां पर देख रहे हैं चमन की वीडियो, ये दो बच्चों ने बनाई थी, इंटरनेट पे वायरल हो रही थी। बाकी अभी यहां पर हम नाश्ता वास्ता करेंगे, फिर उसके बाद निकल जाएंगे सीधे अल्मोड़ा के लिए वहीं इवेंट में। और अभी कहीं रुकना नहीं है इसके बाद, इसलिए मैं अपडेट दे रहा था आपको। सीधे आपको इवेंट में मिलेंगे जहां पर हमारा इवेंट हो रहा है। और इस होटल में अभी हमें ये रिया फास्ट फूड सेंटर साइड में ही बना हुआ है, बवाली पोखर वाली रोड जो अल्मोड़ा को जाती है। तो चलिए फिलहाल हम पहुंच चुके हैं चौहान फाटा अल्मोड़ा और चमन वहां पर मिलने गए हैं सबसे। यहां पर होने वाले हैं आज के प्रोग्राम, गाने वाने लगे हैं, अभी कोई आया नहीं, अभी इवेंट स्टार्ट नहीं हुआ है ना इसलिए। और यहां पर चमन का फोटोशूट जबरदस्त तरीके से, अभी तो कोई आया नहीं है यार। हम तो बहुत जल्दी आ गए, जगह थोड़ी छोटी सी है और अभी जब स्टार्ट होगा तभी देखेंगे बाकी। जी, मुझे अल्मोड़ा में अभी सम्मानित किया जा रहा है तो मुझे उसके लिए बहुत खुशी हो रही है। और मामी जी से मिल के आया हूँ, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, तो उन्होंने भी काफ़ी अच्छा मतलब सहयोग दिया है मेरे को, और शायद किसी अकेडमी में मेरा करा रहे देहरादून। और अभी आड़ना कौन है इसमें, मतलब जैसे सोशल मीडिया पे आप आए और मतलब बॉडी जी? मैं पहले तो खुद ही प्रैक्टिस करता था, बट फिर मैंने थोड़ा बहुत सोशल मीडिया से भी सीखा और थोड़ा खुद से भी सीखा, और एक आर्मी में अनमोल चौधरी उनसे भी बहुत कुछ सीखा मैंने, तो ऐसे ही चलते चलते मैं ये सब चीज़ें करता हूँ। और आगे जाके और क्या करना चाह रहे हैं? अभी मैं फ़िलहाल तो आगे जाके देखता हूँ लॉन्ग जंप है, हाई जंप या इन सब चीज़ों में आगे खेलना चाहूँगा। तो यहाँ पर हमको एक रक्षा धागा बांध दिया है और अभी चमन का यहाँ पर दोबारा से वो रिपोर्टर लोग इंटरव्यू ले रहे होंगे, पर्सनल ब्लॉग्स ये वो, और फिर उसके बाद जो मेन कार्यक्रम होगा वो हम आपको दिखाएंगे, जो भी वहाँ पर होगा चमन को सम्मानित करेंगे वो सब हम बीच में दिखाएंगे आपको। Yeah.
को पसंद है, जोरदार तालियों के साथ, क्योंकि उसका जन्म स्थान इस अल्मोड़ा जिले में है, हमारे सौभाग्य की बात है। चमन जी एक बार खड़े हो जाएंगे। चमन जी के पिताजी भी हमारे बीच में उपस्थित है, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा एक बार मंच में आकर हमारा अभिवादन स्वीकार करेंगे। चमन जी ने नहीं देखी है वो हाथ खड़े करना, जिसने चमन वर्मा की वीडियो सोशल मीडिया में नहीं देखी है वो हाथ खड़े करना। जोरदार ताली सी भक्त पे एक बार और जोरदार ताली। हम सब के लिए सौभाग्य की बात है, हमने चमन जी से कहा कि आज हम सब जहां एक और युवा सोशल मीडिया में, फेसबुक में, ट्विटर में, व्हाट्सएप में इससे व्यस्त है, वही कालमोड़ा का एक युवा, एक चमन, वो भी हमारे बीच में, हम पूरी दुनिया के युवाओं को राह दिखाने के लिए यहां उपस्थित है। एक नजदीक में ही यहां पर मेडिकल कॉलेज के बगल में एक युवा हमारे बीच में भी होगा, क्या नाम है, सागर, आगे आएगा जरा। इस युवा ने भी एक बार सागर जरा इसे खोल के दिखाओ जरा खोलो। इस युवा ने भी, ये इंटर कॉलेज का विद्यार्थी है, लोधिया में पढ़ता है, दिखाओ। चमन वर्मा जी को देखा, कुछ प्रयोग दो चार पांच दिन में प्रारंभ करे, मेरे कहीं से संपर्क में आया, मैंने सोचा कि चमन जैसे युवाओं को प्रेरणा मानकर ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी, इसी अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के बगल में रहता पढ़ता है, गांव का लड़का है, दिखाओ। ये सागर, ये निश्चित रूप से बहुत सारे, अभी मैंने इसकी एक वीडियो देखी थी, वो छत से कूद रहा था जमीन में, ये करते ही होंगे। लेकिन इन सब जैसे युवाओं का जो प्रेरणा स्रोत बना, ऐसा हमारा भाई चमन वर्मा, हम सब युवाओं को, ऐसे युवाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए, ऐसे युवाओं के पीछे खड़ा होना चाहिए। मैं एक बार अपने जिला मंत्री विजय जी से आग्रह करूंगा कि जो चमन वर्मा जी के, विजय जी, चमन वर्मा जी के लिए जो, चमन जी आगे आ जाएंगे, मैं अपने प्रांत के उपाध्यक्ष और अपने इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता अंकित जी से आग्रह करूंगा, पूज्य महाराज जी रामकृष्ण मठ के दिव्यानंद जी महाराज और पूज्य महाराज जी प्रांत संक्रमण जी, अजय जी आप भी आइए, खोल के देंगे इन युवाओं के हाथों में, इन युवाओं के हाथों में खूब बल है, लेकिन इनके हाथों में देव भक्ति के साथ साथ राष्ट्रभक्ति, क्षेत्र भक्ति का भी ऐसा नारा सबके बीचों में नचिए, बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की, भारत माता की। चमन के फेस से थोड़ा फेस चमन का नया हथियार। इस तलवार को देने के पीछे भाव यह है, अभी मुख्य वक्ता उसके बारे में बताएंगे, मुख्य सॉरी अजय जी उसके बारे। अशोक सिंगल जी का भी आज जन्मदिवस है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज को दिया। मैं वरुण कपोटी जी से अनुरोध करूंगा कि आप हमारे जिले के जिलाध्यक्ष, पूरे उत्तराखंड में आपके नेतृत्व में प्रांत उपाध्यक्ष के नाम से कार्य चलता है, तो एक बार दोबारा से आप तो चलिए यहाँ पर चल रहा है चमन का फोटो सेशन, और यहाँ पर जो स्पीच वगैरह थी वो हुई होगी शायद, हम चले गए थे बाहर के, और प्रोग्राम वोग्राम अभी खत्म हो चुके हैं, अभी देखते हैं आगे क्या होने वाला है, फोटो वोटो चल रही है यहाँ पर बना के। मेरे वो दोस्त लोग ही बनाते जो साथ ही वीडियो का भी रहता है ना।
नीचे लेके अगर प्रेरणा ले रहे तो मुझे आगे गर्मी बहुत हो रही है बाकी अभी प्रोग्राम वगैरह खत्म हो चुके हैं और अभी हम जाएंगे रूम में, ये देखते हैं आगे जो भी होता है, ओ सॉरी, जो भी प्रोग्राम वगैरह होते हैं वो देखते हैं आगे का सीन, अभी तो कुछ नहीं है फिलहाल। बाकी ये बैंड वैंड बज रहा है, यहाँ पर चमक की तलवार हमारे हाथ में लग चुकी है।